भीलवाड़ा के आमजन से शराब से होने वाले हादसों पर लोकवाणी ने चर्चा की। इस दौरान भीलवाड़ा के जागरूक लोगों ने आबकारी विभाग पुलिस विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर समय रहते समय समय पर हथकड़ शराब बनाने वालों पर अगर सख्ती से कार्रवाई होती तो शायद भरतपुर के बाद भीलवाड़ा में हुए हादसे पर रोक लगाई जा सकती थी। वहीं सरकार द्वारा जरायम पेशा जातियां के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नवजीवन योजना चला रखे हैं, लेकिन जिले योजना को प्रभावी रूप से लागू नहीं होने से भी जिले में हथकड़ शराब कुटीर उद्योग रूप ले चुका है, जिसकी बानगी हादसे के बाद हुई कार्रवाई में देखने को मिल रही है, जहां प्रशासन ने कई जगह कार्रवाई कर हजारों लीटर वाश नष्ट करवाया है। लोकवाणी न्यूज पर देखे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। प्रदेश में हथकड़ देसी शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिन पूर्व जहां भरतपुर में यह हादसा देखने को मिला, वही भीलवाड़ा में भी 5 मौतें हो गई है और अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और भीलवाड़ा के जो नागरिक है इनमें भी इस हथकड़ शराब या जो शराब की जो बिक्री हो रही इसको लेकर रोष है। ये सरकार से मांग करते हैं कि ये जो हथकड़ शराब है इन पर प्रशासन को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि यहाँ जो होने वाले हादसों पे लगाम लगाई जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुखपाल जाट, इनसे जानना चाहते हैं कि इस हथकड़ शराब से क्या हानियाँ हैं और सरकार को क्यों नहीं इस पर सख्ती से पालना करनी चाहिए रोक की। देखिए, हथकड़ हो या देसी हो, अंग्रेजी हो, शराब शराब होती है और शराब हानिकारक होती है। तो मेरा आपके लोकवाणी चैनल के माध्यम से भीलवाड़ा की जनता से अपील है कि शराब का सेवन ना करें। और जैसा कि आपको पता है, अभी हथकड़ शराब से जो भीलवाड़ा जिले में सारण का खेड़ा गांव में जो शराब दुखांतिका हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार हर बार की तरह इस बार भी मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए, जो घायल है उनको 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि देकर संवेदना जो जताई है। मुख्यमंत्री जी की संवेदना ठीक है, लेकिन आप किसी की मौत के बाद 2 लाख रुपए देके उस पर मरहम नहीं लगा सकते, क्योंकि उस परिवार का जो मेन अंग है वही चला गया, उसके पीछे की जो हालात होती है बड़ी विचित्र स्थितियाँ हो जाती है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो राजस्थान में भी शराबबंदी लागू करें ताकि यहाँ की जनता भी सुरक्षित रह सके। और शराबबंदी होने से अनेक प्रकार की जो अपराधों में जो बढ़ोतरी होती है उनमें भी कमी आएगी निश्चित रूप से। जैसे गुजरात और बिहार में शराबबंदी है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी शराबबंदी की जानी चाहिए। सरकार को अवैध हथकड़ शराब जो इस पर अगर बैन लगा नहीं है तो सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे नवजीवन योजना है, ये जरायम पैसा जाति के लोगों के लिए ही बनी है योजना विशेष रूप से। लेकिन अगर भीलवाड़ा की बात करें तो इस योजना का यहाँ धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। इसका नतीजा है कि दिनों दिन जो अवैध शराब का जो कारोबार है फल फूल रहा है। तो सरकार को नवजीवन योजना का ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को फायदा पहुँचाना चाहिए और समझाइश के माध्यम से ही इन लोगों को इस व्यवसाय से हटाकर दूसरे व्यवसाय में डालना चाहिए, तब जाके ही शराब पर रोक लग पाएगी। अभी हमने देखा कि हादसे के बाद प्रशासन चेता और हजारों लीटर जो हथकड़ शराब है इस पर कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई अगर पहले होती तो शायद ये मौतें बच चुकी है। अगर इतना जब देखने के बाद ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये कुटीर उद्योग के रूप में पनपता जा रहा है, क्या मानते हैं इसके विचार? बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है कि ये भीलवाड़ा में एक बड़ा कारोबार बन गया है। जिस प्रकार से फैक्ट्री चलती है उस प्रकार से गाँव में अवैध शराब की ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो छोटे छोटे रूप में बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये एक बड़ा उद्योग बन चुका है। इन लोगों के लिए जीवन यापन का यही एक सहारा है। अगर सरकार इनको दूसरी योजनाओं से लाभ नहीं देगी तो आदमी कहीं तो अपना परिवार चलाएगा। अब वो अवैध शराब से चलाए कैसे चलाए, तो परिवार तो चलाना ही पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़े और इस अवैध कारोबार से हटाएं। और आप जो बता रहे हैं कि शासन या प्रशासन हादसे के बाद चेतता है, बिल्कुल सही है। ये बड़ा गंभीर विषय है कि प्रशासन को पहले ही कार्रवाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी 16 जनवरी को भरतपुर में हादसा हुआ है, 7 जनों की अवैध हाजकर से शराब पीने से मौत हुई है। उसके बाद 15 दिन बाद भीलवाड़ा में हादसा हो जाना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। तो प्रशासन को गंभीरता के साथ निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और केवल सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। कैसे रोक लगे हथकड़ शराब के व्यापार पे? हथकड़ शराब के साथ साथ में दूसरी चीज़ें भी खाने पीने की कहीं नकली बन रही है, उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। शराब तो जहरीली है ही, शराब में तो नशा बहुत है और ये घर बर्बाद करती है, परिवार तोड़ती है और शराब पीने के बाद में आदमी कई कुरीतियों का शिकार होता है। वो कई ऐसे ऐसे काम कर देता है जो उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। एक अच्छे समाज
और अच्छे शहरी बनने के लिए और अच्छे नागरिक बनने के लिए नशा मुक्ति का जो अभियान हमारे कुछ युवा साथियों ने भीलवाड़ा में चला रखा है, इनको प्रोत्साहित करके और सरकार इन लोगों के माध्यम से एक नशा मुक्ति का जबरदस्त अभियान चलाएं, जैसे बीड़ी सिगरेट है, तंबाकू गुटखा है, शराब है, ऐसी चीज़ों के ऊपर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देके बैन लगाना चाहिए और इनमें जो भ्रष्टाचार लिप्त है उसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है नशा मुक्त युवा भारत आंदोलन के संयोजक नारायण बदाला, ये लगातार शराबबंदी के ऊपर कार्य करते रहते हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार शराबबंदी पर रोक लगे, हथकर शराब पर रोक लगे। शराबबंदी के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और शराबबंदी से लोग कहते हैं कि राज्य नहीं चलते या इनकम यही है, तो आप गुजरात देख सकते हैं और अभी जो ताज़ा हुआ बिहार देख सकते हैं जहां पर अपराध में काफ़ी कमी आई है। मैं माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके शासनकाल में शराबबंदी हुई तो ये आपके लिए या इस राज्य के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये 5 मौतें नहीं है, लगातार रोजाना हजारों लोग इस शराब के कारण कहीं एक्सीडेंट से, कहीं गृह हिंसा से या कहीं ऐसी जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। और जो लोग ये चला रहे हैं हथकर शराब, ये गैरकानूनी है और जो ठेके अलॉट करती है सरकार उसके बाद में भी जो ब्रांचें खोलती है वो भी कानून के हिसाब से गैरकानूनी है, लेकिन प्रशासन द्वारा केवल कुछ अबता या मैं मान लूँ कुछ रिश्वत देके जो ये चीज़ चल रही है, यही उन मौतों के जिम्मेदार हैं। अगर इस घटना के बाद में जितने भी जो शराब बनाने के जो नष्ट किए गए वो नष्ट किया है, अगर उनको पहले नष्ट कर देते तो वो घर नहीं उजड़ते। ऐसे ही कोई घटना होने के बाद में अगर हम जागते हैं तो वो जागने का कोई मतलब नहीं है। मेरा माननीय अशोक गहलोत जी से पुनः यही निवेदन रहेगा कि आप इस राजस्थान में शराबबंदी करें, जो आपसे उम्मीद है इस राजस्थान वासियों की, शराबबंदी करके इस राज्य को और प्रगतिशील या उन्नतिशील करें। आबकारी विभाग को कितना जिम्मेदार मानते हैं इन मौतों के लिए? आबकारी विभाग मेन क्या होता है कि जैसे आबकारी विभाग जो छोटे छोटे ठेके हैं जो चला रहे हैं उनको बहुत जल्दी रोक लगानी चाहिए और इस पे पुलिस प्रशासन को भी बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए। इनकी वजह से ये खुद से मतलब सामाजिक जो काम कर रहे हैं ये या पुलिस वाले जो मिलजुल के करते हैं इन्हीं की वजह से ये मौतों का कारण है। अवैध शराब को कितना हानिकारक मानते हैं समाज के लिए? अवैध शराब को काफ़ी हानिकारक माना गया है समाज में। इसमें ये नशीली शराब से जो मौतें हो रही है ये लगातार तो नहीं हो रही है, लेकिन जो केवल शराब से मौतें हो रही है वो रोजाना की हज़ारों मौतें हो रही है। और मेरा तो ये मानना है कि हर जिले के अंदर अगर पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान देवे तो राज्य सरकार को इतनी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर ओनली केवल पुलिस प्रशासन ही केवल शराब को बंद करा सकती है अगर चाहे तो। इसके ऊपर मैं अशोक गहलोत जी से भी निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द शराब पर रोक लगा दी जाए, ताकि काफ़ी हजारों महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है रोज उससे भी उनको काफ़ी छुटकारा मिले और लोगों को घर बने घर बिगड़े नहीं। और काफ़ी मौतें हो रही है एक्सीडेंट के अंदर, रोज की हजारों मौतें होती है, जो सब 70-80% केवल एक्सीडेंट में अधिकतर लोग शराब पीकर ही गाड़ी चला रहे हैं या कोई नशीले पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चला रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जल्द से जल्द शराब पर रोक लगानी चाहिए और अपनी आय की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।